बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार राग आशा भजन बयानवे। चलिए प्यारे मित्र हमारे संतों के सत्संग में। दुनिया के सब ख्याल हटा कर चितलाओ प्रसंग में। चलिए प्यारे, चलिए प्यारे मित्र हमारे संतों के सत्संग में। चलिए प्यारे, ओ ऊंचे स्वर से संत बुलावे। आओ प्रेमी कथा सुनावे। कथा सुनाकर प्रेम जगाकर मिले अपने संग में। ओ चलिए प्यारे, चलिए प्यारे मित्र हमारे संतों के सत्संग में। चलिए प्यारे, समय भया सत्संग करन का। संत वचन मन माहे धरन का। देर न कीजे हरि रस पीजे। रंग जाओ हरि रंग में। ओ चलिए प्यारे, चलिए प्यारे मित्र हमारे संतों के सत्संग में। चलिए प्यारे, आप चलो सत्संग मंझारे। साथ संबंधी ले कर सारे। मिल गाओ आनंद पाओ नाए ज्ञान की गंग में। चलिए प्यारे, चलिए प्यारे मित्र हमारे संतों के सत्संग में। चलिए प्यारे, कहते हूँ सत्संगत करके। ब्रह्म भाव को हृदय भर के। भरम निवारो जन्म सुधारो। अंग अंग भरे उमंग में। ओ चलिए प्यारे, चलिए प्यारे मित्र हमारे संतों के सत्संग में। चलिए प्यारे, चलिए प्यारे। राग आशा भजन बयानवे। चलिए प्यारे मित्र हमारे संतों के सत्संग में। दुनिया के सब ख्याल हटाकर चित लाओ प्रसंग में। जिज्ञासु गणों से गुरु महाराज जी अपना मित्र बना करके उन्हें सद परामर्श दे रहे हैं, सद उपदेश दे रहे हैं कि सत्संग में जाकर अपने समय को सफल बनाओ। और जब श्रवण करने के लिए बैठो तो मन के अंदर कोई सांसारिक विषय न हो, मन कहीं संसार में रमा हुआ न हो। प्रसंग जो कथा का चल रहा है उसमें अपने चित्त की वृत्ति लगाओ। संत महापुरुष तो हमेशा पुकारते रहते हैं कि आओ कथा सुनो, सत्संग सुनो, अपना जीवन सफल बनाओ। और कथा सुनाकर प्रभु प्रेम जगाने वाले वो संत महापुरुष शरण में आए हुए को अपने संग सानिध्य में पवित्र बना देते हैं। समय भया सत्संग करण का। संत महापुरुष पुकारते हैं कि सत्संग का समय हो गया। संत वचनों को अपने हृदय में धारण करके परम शांति को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। इस कार्य में, शुभ कार्य में देर मत करो।
परमात्मा के नाम का पावन रस अमृत पीकर उसी के रंग में रंग जाओ। आप स्वयं भी चलो और अपने संबंधी मित्र आदि उनको भी प्रेरित करके सत्संग में लगाओ, सत्संग में ले चलो। वहां बैठ के ईश्वर नाम की धुनी लगाओ, आनंद की प्राप्ति करो और संत महापुरुषों की वाणी की जो अमृत रूपी गंगा है उस गंगा में स्नान करो। कहे टेहूं सत्संगत करके, गुरु महाराज जी कहते हैं कि सत्संग के द्वारा अपने हृदय में उस परब्रह्म परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न करो, भ्रम निवारो, जन्म सुधारो, भ्रम संशयों की निवृत्ति और अंग अंग भरे उमंग में उत्साह और उमंग से उस प्रभु परमात्मा का गुणगान करके अपने मनुष्य शरीर को सफल बनाओ। अमरापुर वाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी, भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी, अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ, अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत, भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत, दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत, सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश, अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश, पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम, अमरापुर वाणी दो
ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली, पांच रतन प्रधान, पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी, प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा परवाणी, हिंदी अमरा परवाणी, भजन ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दोहावली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।